हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे सबसे पहले आप सबको जय नारायण तो जी जहाँ से मैंने कल वीडियो एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है और तो देखिए वहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था और दूध मेरा गर्म हो चुका था और जैसे कि आज आराधा की मैंने छुट्टी कराई थी क्योंकि मैंने उसके नाक में दर्द हो रहा था तो इसीलिए उसको स्कूल नहीं भेजा था तो यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े रखे थे मैंने उनको तय लगा लूँगी अच्छे से और उधर मैंने गाजर का हलवा भी पकने के लिए रखा था और वो भी मेरा पक गया है उसको मैंने बंद कर लिया है और अभी फटाफट फ़ड़ से पहले कपड़े तय कर लेती हूँ और उसके बाद लंच की तैयारी करने वाली हूँ मैं क्योंकि टाइम हो जाता है सुबह से पाँच बजे से लेकर उठ जाती हूँ मैं और तब तक फिर लगातार लगते करते रहो काम और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता और घर की क्लीनिंग हो गई कपड़े वॉश करना हो गया ये सब वैसे मेरा ही नहीं सबका घर जो हाउस वाइफ होती है ना उनका सबका काम यही है और पूरे सुबह से लेकर शाम तक लगे रहो और कोई आराम नहीं तो इसीलिए अभी मैं थोड़ा फ्री थी क्योंकि मैंने वहाँ पे दूध गर्म कर लिया है नहीं तो दूध छोड़ के आ जाऊँगी तो दूध सारा चले जाएगा इसीलिए पहले दूध गर्म कर लिया है और गाजर का हलवा मेरी धीमी आंच पे पकने के लिए रखा है उसमें दूध रखा था मैंने तो वो सूख जाएगा तो फिर उसको बंद कर लूँगी और इधर आराध्या भी अपना ट्यूशन का काम कर रही थी और उसका जो काम बाकी था वो अपना काम फिनिश कर रही थी और फिर उसका काम ख़त्म हो गया था तो मैंने भी उसको थोड़ा बहुत आ, काम दे दिया है करने के लिए वो उसको करती रहेगी आराम से बैठ के और तब तक, तक मैं अपने कपड़े लगा लेती हूँ अलमारी में और अलमारी में कपड़े लगाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ और गाजर का हलवा मेरा बन के रेडी हो गया है तो उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी क्योंकि मैंने दूध के जो पतीला होता है ना दूध का उसी में मैंने गाजर डाल के उसी में पका लिया था तो इसीलिए वो दूध का जो हमारा पतीला है पूरा आ, मतलब पूरा जल चुका है तो उसको मैं भिगोने के लिए रख दूंगी पानी में अभी नहीं उसको शाम को धोऊंगी क्योंकि तब तक शाम को अच्छे से भीग जाएगा तो फिर आ, निकालने में उसको ईजी हो जाएगा तो यहाँ पे मैं आ, गाजर का हलवा तो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ पे मैं लंच की तैयारी भी कर लूँगी साथ ही साथ लंच में मैं बनाने वाली हूँ आज कढ़ी चावल आरब को कड़ी चावल बहुत पसंद है आराध्या को पसंद नहीं है उसके लिए कल की दाल बाकी है तो वो दाल खा लेगी और तो मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता नहीं सॉरी कड़ी बना लूँगी और कड़ी में मैंने डाल दिया है राई का तड़का और जीरा और मेथी तो मेरे पास है नहीं अभी तो मेथी का तड़का मैंने नहीं लगाया नहीं तो मैं मेथी का तड़का भी लगाती हूँ और मिक्सी जार में देखिए मैंने थोड़ा सा दही डाल लिया था और थोड़े से उसमें बेसन डाल लिया था और उसको फेंट लिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और जितना मुझे उसमें पानी चाहिए उतना बढ़ा लूँगी ऊपर से मैंने उसमें छाछ भी डाल दी है अब मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी इसमें छाछ मिक्स करनी है मिक्स तो कर यहाँ पे और, आ, साथ ही साथ मैं चावल भी चढ़ा लूँगी और चावल चढ़ाने के बाद मैंने बनाया था गाजर का हलवा तो थोड़ा सा गाजर का हलवा टेस्ट भी किए बिना तो रह नहीं पाऊँगी तो इसीलिए थोड़ा सा निकाल लिया है अपने लिए टेस्ट करने के लिए तो थोड़ा सा गाजर का हलवा इंजॉय कर लेती हूँ जी ये सुबह के बाद शाम का टाइम है सीधे और बच्चे नीचे से खेल के आ चुके हैं और मैं भी बच्चों के साथ ही चली गई थी नीचे और फिर आ गई हूँ और यहाँ मेरी दिया बाती भी हो गई है और फिर मैं बैठ गई हूँ थोड़ी सी आराध्या को रिवीजन करवाने के लिए और बच्चे आरब भी बैठ गया है पढ़ने के लिए वो भी अपनी पढ़ाई कर रहा है तो साथ में मैं भी थोड़ी सी आराध्या को पढ़ा लूँगी और अभी खाना मेरा पूरा बाकी है तो फिर मैं आराध्या को रिविज़न कराने के बाद फिर खाना बना लूँगी तो जी अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जी मुझे ज़्यादा वीडियो ऐसे बनाना आता नहीं है तो अभी नई नई मैं वीडियो बना रही हूँ और जितनी भी मेरे से गलतियाँ हो रही है ना उनको इग्नोर करना और मुझे सपोर्ट करना तो यहीं पे मैं अरब से भी पूछ लेती हूँ थोड़ा कि आज स्कूल में क्या हुआ कौन सा चैप्टर हुआ कौन सा नहीं और तुमने क्या खेला क्या नहीं खेला बच्चों से इसी बहाने बातें भी हो जाती है थोड़ा पूछ लेती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ की खबर लेना हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों की क्या प्रॉब्लम है वो भी हमें सुननी चाहिए और समझनी भी चाहिए तो इसीलिए थोड़ा सा अरब के साथ थोड़ी सी मैं बातें कर रही थी और आराध्या को भी थोड़ा सा रिवीजन करवाने के लिए दे दिया है मैंने पे बच्चे अपना आराम से पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे बनाने हैं रात का खाना और रात के खाने में मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी और रोटी तो भिंडी की सब्जी के लिए मैंने सबसे पहले प्याज काट के रख लिया है और प्याज में हमेशा भिंडी की सब्जी में ज़्यादा डालती हूँ और जितनी भिंडी और उतना ही प्याज बहुत टेस्टी लगती है राजा को बहुत टेस्टी लगती है भिंडी की सब्जी और दोनों को ही पसंद है तो भिंडी भिंडी मैं साइड चढ़ा लूँगी और धीमी आंच पे भिंडी को पकाऊँगी भिंडी में मैंने नमक डाला है बाकी अभी कुछ मसाले नहीं डाले थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें नमक मसाले डाल लूँगी तो देखिए एकदम धीमी आंच पे मैंने भिंडी को पकाया है और यहाँ पे भिंडी मेरी बन के रेडी हो गई है और दूसरी साइड मैं आटा लगा लूँगी तब तक आटा लगा लूँगी और आटा आटा लगाने के बाद मुझे फटाफट से बनानी है रोटी क्योंकि सुबह में बच्चों को डेली जल्दी उठना पड़ता है ना तो मुझे साढ़े नौ नौ बजे तक बच्चों को खाना खिला के साढ़े नौ बजे तक बिस्तर में लेके जाना ही पड़ता है तब जाके वो सोते हैं नहीं तो दस तो उनको बज ही जाते हैं नींद आने में तो यहाँ पर फटाफट से मैं रोटी बना लूँगी जी यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है और हम अब मैं बच्चों को दे देती दे हूँ फटाफट से डिनर और टाइम भी साढ़े आठ हो चुके हैं और बच्चों को खिला देती हूँ टाइम से खाना तब जाके वो सुबह में जल्दी उठ पाते हैं आरब को तो साढ़े पाँच बजे उठना पड़ता है और स्कूल उसका काफ़ी दूर है तो मुझे लगता है कि उसे जल्दी सुला दो और उसकी नींद पूरी हो जाए तो इसीलिए फटाफट से मैं बच्चों को खाना खिला के और फिर सुला देती हूँ अभी हस्बैंड भी नहीं है घर पे तो और भी हम जल्दी थोड़ा सा अपना काम ख़त्म करके मैं भी बच्चों के साथ सो जाती हूँ और फिर सुबह में उठना होता है मुझे जल्दी तो देखिए यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ सुबह सुबह की वीडियो है ये और सुबह में मैंने अरब के लिए आलू की भुजी बना ली है यानी कि बिल्कुल सूखी हुई सब्जी है ये पतला पतला काट के मैं तेल में ही भिंडी को खाली पकाती हूँ और दूसरी साइड मैंने रोटी भी बना ली है और तो जी आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और आरब भी स्कूल के लिए रेडी हो चुका है और मैं जाऊँगी आरब को नीचे ड्रॉप करने के लिए और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना तब तक के लिए टेक केयर